डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि माह मुकद्दस का महीना शुरू है, अल्लाह ताला हम सबको माह रमज़ान की बरकतें नसीब करे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और नेकी की तरफ हमें रगबत दिलाए। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 13। 13वें चैप्टर की डियर स्टूडेंट्स दो एक्सरसाइजेज़ हैं, लेकिन ये चैप्टर अपनी नेचर के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? इसमें से 13.2 जो है उसमें से लॉन्ग लाजमी आएगा और 13.1 में से शार्ट लाजमी आएगा, और ये शार्ट ऐसे हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें से MCQ भी बन सकता है। तो इस हवाले से दो की दो एक्सरसाइजेज़ हैं, उसमें से लॉन्ग भी आ रहा है 5 नंबर का, एक अगर शार्ट भी आ जाए और एक MCQ भी आ जाए तो 8 से 10 नंबर बन सकते हैं। तो इस पर मैक्सिमम आपके 2 से 3 दिन लगेंगे। आई विल रिकमेंड कि आप ये चैप्टर ज़रूर करें, इसको अच्छी तरह से करें, और शार्ट सिलेबस के हवाले से तो और भी बहुत आसानी हो गई है क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और भी रिड्यूस हो गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट लूजिंग द टाइम हम शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ही सेइंग दैट एवेल्यूएट विदाउट यूजिंग टेबल्स आर कैलकुलेटर, के कैलकुलेटर या टेबल को यूज़ किए बगैर हमने क्या करना है, नीचे दिए गए जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व आउट करना है। तो पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, ही सेइंग दैट कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 को सॉल्व करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, लेट करना है कि ये सारा कुछ क्या है जी, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब कॉस दोनों तरफ से आप लेंगे, कॉस ऑफ वाई इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स करेंगे तो कॉस के साथ कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस ऑफ वाई इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर इस किस्म की सूरत हाल हो कि वैल्यू दी हुई है आपको और आपने यू हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर एंगल, तो वैल्यू मालूम करने के लिए आप एक ट्राई एंगल बनाएंगे। कॉस ऑफ वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, तो कर्ली ब्राउन हेयर के थ्रू हमने ब्राउन बेस की जगह पर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, हेयर एच स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज 2 हो जाएगा। अगर ये सूरत हाल हो कि आपके पास हाइपोटेन्यूज 2 हो और बेस 3 हो तो डेफिनेटली आपका ये जो परपेंडिकुलर बनता है वो 1 बनता है। अगर इस किस्म की डायग्राम बन रही है तो मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी बताया था कि क्या होता है, 3 की 3 के साथ फ्रेंडशिप है, तो ये एंगल यहाँ पर कितना बनेगा, 30 का बनेगा, डिग्री का, यानी कि वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप ये लिख दें, ये भी ठीक है, और क्योंकि आंसर उन्हें रेडियन में दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 6 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है, ही सेइंग दैट 10 इनवर्स ऑफ -1/√3, वही तरीकाकार है, वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ -1/√3। 10 जब इधर आ जाएगा तो इनवर्स ख़त्म हो जाएगा, 10 ऑफ वाई इज इक्वल टू -1/√3, देन यू हैव टू ड्रा ट्राई एंगल, ड्रा कर लें, 10 स्टैंड फॉर थ्रू प्रॉपर ब्रश, तो प्रॉपर थ्रू प्रॉपर ब्रश, पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर 1 आ गया, ब्रश स्टैंड फॉर बी बेस आ गई स्क्वायर रूट 3 को, जब परपेंडिकुलर 1 हो और बेस आपके पास 3 हो तो ये डेफिनेटली हाइपोटेन्यूज 2 होता है, और 3 की 3 के साथ फ्रेंडशिप होगी तो यहाँ पर भी एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री और पाई बाय 6। तो डेसो यहाँ पर ये ख्याल रखना है कि यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस एज इट इज़ ही चलता रहेगा। पार्ट नंबर 5, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, लेट वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 हो गया, या कॉस ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/2, अगेन कॉस है तो कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर, तो कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो हमने इसको सॉल्व आउट कर लेना है, तो बेस हमारे पास क्या है जी, 1/2 के हवाले से हमने चलना है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो चीज़ आएगी, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आप नोट कर लें, कॉस ऑफ वाई यानी कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस हमारी 1 है और हाइपोटेन्यूज हमारा 2 है, तो ये यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 हो जाए तो 3 के साथ फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमारे पास कितना एंगल आ जाएगा, 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा, और 60 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करें तो वो कितना बनता है, पाई बाय 3 रेडियन बनता है, ना के पाई बाय 6 बनता है, तो इसको करेक्ट भी हमने कर लिया, वाई इज़ इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6,
इन पार्ट नंबर सिक्स ही इज सेइंग दैट क्या सॉल्व आउट करना है छठे पार्ट में टेन इनवर्स ऑफ वन ओवर स्क्वायर रूट थ्री। लेट वाई इज इक्वल टू, लेट करेंगे इसको कि लेट y इज इक्वल टू क्या है टेन इनवर्स ऑफ वन ओवर स्क्वायर रूट थ्री है। टेन दोनों तरफ से लेंगे तो ये टेन ऑफ y, टेन के साथ टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, वन ओवर स्क्वायर रूट थ्री बच जाएगा। अगेन हम वही चीज़ के टेन है थ्रू प्रॉपर ब्रश, थ्रू प्रॉपर प्रॉपर परपेंडिकुलर के लिए वन, ब्रश बेस के लिए स्क्वायर रूट थ्री आ जाएगा। अगर ये वन हो जिसके थ्रू थ्री हो तो ये डेफिनेटली टू होता है, और थ्री के साथ थ्री की फ्रेंडशिप है तो ये एंगल कितने का बन जाएगा 30 डिग्री। y इज इक्वल टू 30 डिग्री और y इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन आपका आंसर आ जाएगा। छठे के बाद डेयर स्टूडेंट्स स्मार्ट सिलेबस में नौवां पार्ट है, नौवें पार्ट में ही सेइंग दैट साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू वाई इज इक्वल टू, लेट करेंगे जी लेट दिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू या साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू बन जाएगा। साइन है तो सम पीपल हैव, पीपल है पीपल के लिए पी, परपेंडिकुलर है एज के लिए हाइपोटेन्यूज तो स्क्वायर रूट टू हो जाएगा। अगर ये स्क्वायर रूट टू हो जाए ये वन होता है तो डेफिनेटली बेस भी वन हो जाएगी। अगर इस तरह के आपके पास फिगर बन रही हो जैसा कि मैंने आपको दसवें चैप्टर में पढ़ाया हुआ है तो एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री का। सो दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 45 डिग्री आर वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन भी आप इसको लिख सकते हैं। तो डेयर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर वन कम्प्लीट हो गया, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की जाने। जी डियर स्टूडेंट्स के बाद हम क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में ही सेइंग दैट विदाउट यूजिंग टेबल अल कैलकुलेटर शो दैट, क्वेश्चन नंबर टू के तीन पार्ट हैं आपको। क्वेश्चन नंबर टू का पहला पार्ट है क्या शो करना है आपने, ही सेइंग दैट टेन इनवर्स ऑफ 5 ओवर 12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5 ओवर 13 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर लेट करेंगे, देखें टेन इनवर्स से हमने कहाँ पर जाना है साइन पर जाना है, तो टेन से हमने किस पर जाने की कोशिश करनी है साइन पर जाने की कोशिश करनी है। तो लेट करना है सबसे पहले अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 5 बाई 12, इसका मतलब क्या है दोनों तरफ से टेन लेंगे तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 बाई 12। अब इस टेन अल्फ़ा को यूज़ करके हमने किसी ना किसी तरह के साइन के इलाके में जाना है, तो टेन से हमारे पास एक आइडेंटिटी है एज़ वी नो दैट 1 + 10 स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर अल्फ़ा, या यहाँ से हम सीकेंट अल्फ़ा की वैल्यू लें तो 1 + 10 स्केयर अल्फ़ा का स्केयर रूट आ जाएगा। पुटिंग दी वैल्यूज़ को पुट अप किया 1 + 10 की जगह पर 5 बाई 12, 5 का स्केयर 25 और 12 का स्केयर 144, एलसीएम लिया सॉल्व किया। डेयर स्टूडेंट्स को हमारे पास जो सीकेंट अल्फ़ा है वो क्या आया आपके पास सॉल्व करने के बाद 13/12 आ जाता है इसका आंसर। इसको सॉल्व करने के बाद इसका मतलब क्या है सीकेंट अल्फ़ा को अगर आप रिवर्ट करें उल्टाएं तो सीकेंट किसका उलट होता है जी कास का, तो कास अल्फ़ा क्या आ जाएगा 12/13। इस कास अल्फ़ा को इस्तेमाल करके मैं किसकी वैल्यू ले लूँगा साइन अल्फ़ा की, दैट इज़ साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 - cos² अल्फ़ा का स्केयर रूट होता है। वैल्यू पुट की है 1 - 12/13 का होल स्केयर आ रहा है, स्केयर को ओपन किया है एलसीएम लिया है सॉल्व आउट किया है डेयर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है डेयर स्टूडेंट्स हमारे पास 25/169 का स्केयर रूट, तो साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5/13 हो जाएगा, या साइन उधर जाएगा या दोनों तरह से साइन इनवर्स लेंगे तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13। अब यहाँ से अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर वन को देखें तो उसमें क्या कहा है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 5/12, सेकेंड में क्या कहता है कि वही अल्फ़ा है इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13। तो दोनों क्या हैं अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी भी अल्फ़ा है इसकी भी अल्फ़ा है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो दोनों राइट हैंड साइड भी बराबर हैं। इसका मतलब है फ्राम इक्वेशन वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी राइट हैंड साइड हो जाएगी। नेक्स्ट डेयर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट है, ही सेइंग दैट 2 cos inverse of 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 24/25। सेम उसी पैटर्न पर चलेंगे डेयर स्टूडेंट, लेट अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4/5 आर आई कैन राइट इट के 2, इसको क्या कहा हुआ है cos इनवर्स ऑफ 4/5 को अल्फ़ा, या 2 α इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4/5 हो जाएगा जहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर ली है, या जहाँ से डेयर स्टूडेंट अगर आप देखें तो cos अल्फ़ा निकालेंगे 4/5 आ जाएगा। cos अल्फ़ा को यूज़ करके आप sin अल्फ़ा की वैल्यू निकालें, sin अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 - cos² अल्फ़ा का स्केयर रूट, 1 - cos α की वैल्यू पुट की 4/5 स्केयर लिया एलसीएम लिया सॉल्व किया तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो यहाँ से आपके पास आई है वो क्या आई है 3/5। डेयर स्टूडेंट अब आपके पास दो वैल्यू आ गई, cos अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई है और साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। एज वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, एज साइन ऑफ टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा होता है, तो डे स्टूडेंट साइन टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू टू, एज़ इट इज़ साइन अल्फ़ा की वैल्यू पीछे हमने फाइंड आउट किया है 3/15 है, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 4/5 है, तो हमने इसको सॉल्व किया, चाहते 12/12 24/25 हो गया, या 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स ऑफ 24/5 हो जाएगा, और 2 एज़ इट इज़ अल्फ़ा हमने किसको कहा था, 4/ कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 को कहा था, इज़ इक्वल टू क्या चीज़ आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ 24/25 हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। ये स्टूडेंट पहले पार्ट से थोड़ा सा हट के था क्योंकि यहाँ पर डबल एंगल आइडेंटिटी यूज़ हो गई है, तो इसको आपने अच्छी तरह से देखना है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड द पार्ट नंबर 3। इन पार्ट नंबर 3 ही सेइंग दैट आपने प्रूफ करना है कि कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 4/5। डियर स्टूडेंट देखें, अब हमने कॉस से किस पर पहुंचना है, कॉट पर, तो कॉस इनवर्स में हमें कॉस मिल जाएगा आसानी के साथ, साइन मिल जाएगा, और कॉस बटा साइन करेंगे तो हम कॉट पर पहुँच जाएंगे। वही पैटर्न है, अल्फ़ा इज इक्वल टू लेट करें जी कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 या कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5। इस कॉस अल्फ़ा को इस्तेमाल करके साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालें, 1 - कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, 1 - कॉस अल्फ़ा की जगह पर 4/5 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 - 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, एलसीएम लिया 25 - 16 कर लिया तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, 9/25 आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर रूट लिया तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/5 हमारे पास आ जाएगा। साइन अल्फ़ा भी आ गया, कॉस अल्फ़ा भी आ जाएगा, इसको यूज़ करके हम क्या जानते हैं, एज़ वी नो दैट स्टूडेंट्स, एज़ वी नो दैट cot अल्फ़ा इज़ इक्वल टू व्हाट, cot अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, क्योंकि tan अल्फ़ा का उलट है तो ये क्या आ जाएगा, cos अल्फ़ा ओवर sin अल्फ़ा, वैल्यू पुट कर दी है, cos अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5 डिवाइडेड बाय sin अल्फ़ा की है 3/5, तो 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 4/3। डियर स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, cot अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4/3 और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू cot, इधर आकर cot का इन्वर्स हो जाएगा 4/3। इसका मतलब है कि ये भी अल्फ़ा की इक्वल था, वो भी अल्फ़ा की इक्वल आ गया है, तो इसका मतलब है cos इन्वर्स ऑफ 4/5 इज़ इक्वल टू cot इन्वर्स ऑफ 4/3। होप सो डियर स्टूडेंट आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वी मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जाने जी। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, ही सेइंग दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हवाले से, जहाँ पर एक सवाल है और शॉर्ट भी यहाँ से आता है। बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 1 की ही आप कह लें कि एडवांस फॉर्म है। सॉल्व करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 1 है आपका शॉर्ट सिलेबस में ही, सेइंग दैट कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2 को सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपने इसको इक्वेशन ए मार्क कर देना है। लेट आपने करना है कि ये जो कुछ पहला क्वेश्चन में जो हम करते रहे, अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 आर साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/√2। नाउ वी नो दैट के साइन अल्फ़ा, साइन क्या होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1 परपेंडिकुलर हो जाएगा और √2 हमारा हाइपोटेन्यूज, तो ये 1 और ये √2 जब हाइपोटेन्यूज तो डेफिनेटली 1 ही हमारी बेस बनती है। जब इस तरह की सूरत हाल हो तो मैंने बताया हुआ एंगल कितना बनेगा, 45 का बनेगा। इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। अब इक्वेशन ए क्या बन जाएगी, अल्फ़ा किसके इक्वल था, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाए, 45, तो इसका मतलब है कि साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 की जगह पर क्या चीज़ आ जाएगी, डे स्टूडेंट्स 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, कॉज ऑफ, जब 45 डिग्री पर अप्लाई होगा तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज़ 1/√2 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट देयर इज़ गिवन पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का। पार्ट 3 देखें, पार्ट 3 में क्या कह रहे हैं, ही सेइंग दैट टेन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। वही पैटर्न है डियर स्टूडेंट, इसको मार्क करें कि ये इक्वेशन ए है जी। लेट करेंगे जो चीज़ इनपुट बन रही है टेन की, वो क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ √3 को अल्फ़ा की इक्वल पुट किया, या कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू √3 हो गया, ओवर 2 कॉस कर्ली ब्राउन हेयर बेस 1 बेस ओवर कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो गया, √3 हो गया और हाइपोटेन्यूज 2 हो गया। जैसे जब ऐसी सूरत हाल हो तो ये 1 आपका परपेंडिकुलर बनता है, मैंने कहा था कि 3 की 3 के साथ फ्रेंडशिप करवा लेनी है, तो यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब है अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू कॉस इनवर्स √3 की जगह पर क्या चीज़ आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा। ए इक्वेशन क्या बन जाएगी, टेन ऑफ
इसकी जगह पर वैल्यू जो फाइंड आउट की है 30, तो वो 30 आ जाएगा। टेन ऑफ 30 आपने फाइंड आउट करना है, टेन है जी। ट्राइंगल आपके पास बनी हुई है थ्रू प्रॉपर ब्रश 1/√3, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड द पार्ट नंबर 4। ही इज सेइंग दैट कोसेकेंट ऑफ टेन इनवर्स ऑफ -1 को सॉल्व आउट करना है। लेट करें जी अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ -1 और टेन अल्फा इज इक्वल टू -1। -1 को आप -1/1 भी लिख सकते हैं, 1/1 है तो थ्रू प्रॉपर ब्रश है तो परपेंडिकुलर भी 1 हो जाएगा, बेस भी 1। जब परपेंडिकुलर और बेस 1 हो तो ये स्क्वायर रूट 2 और एंगल कितना बनता है 45। साथ में माइनस आ रहा है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू -45° आ जाएगा। अल्फ़ा की जगह पर यानी कि टेन इनवर्स ऑफ -1 की जगह पर इक्वेशन में पुट कर देंगे उसकी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेकेंट ऑफ -45 हो जाएगा। कोसेकेंट डे स्टूडेंट्स आप जानते हैं साइन का उलट है, तो ये नेगेटिव साइन को उलट देता है, तो हमने बाहर लिख लिया -कोसेकेंट ऑफ 45 डिग्री। या कोसेकेंट मुझे मुश्किल मालूम हो रहा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये किसका उलट है, 1/(sin 45° हो जाएगा। माइनस अपनी जगह पर 1/(sin 45) की वैल्यू 1/√2। ट्राइंगल आपके सामने वहाँ से निकाल सकते हैं 1/√2। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2/1 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -√2 जो है इसका, -√2 जो है इसका डेयर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 4 का। पार्ट नंबर 5 पर चलते हैं जी। इन पार्ट नंबर 5 ही सेइंग दैट क्या कैलकुलेट करना है, वो कह रहा है कि आप कैलकुलेट करें कि सीकेंट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1/2, इसको ए का नाम दिया है, अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2 और साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -1/2 और अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेयर स्टूडेंट्स, -1/2 हो जाएगा। साइन है तो सम पीपल हैव परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की जगह पर 1 आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज की जगह पर 2, तो ऐसी सूरत हाल हो तो यहाँ पर √3, अगर यहाँ पर √3 है तो एंगल 30 का हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू -30° आ जाएगा। सो क्या बन जाएगी इक्वेशन ए, सीकेंट ऑफ -30। डियर स्टूडेंट्स अब सीकेंट किसका उलट है, कास का, कास और सीकेंट क्या करते हैं अपने साइन को खा जाते हैं, तो ये साइन के बगैर आ जाएगा, यानी कि सीकेंट -30 और सीकेंट 30 एक जैसे हैं। सीकेंट 30 को आप लिख सकते हैं 1/cos(30), cos(30) की वैल्यू आप जानते हैं डेयर स्टूडेंट √3/2 है, उल्टेगी तो 2/√3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 7 पर चलते हैं जी। 7 में ही सेइंग दैट साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2, डेयर स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये शार्ट क्वेश्चन आता है, तो अगर ऐसा आए साइन ऑफ साइन इनवर्स, कॉज ऑफ कॉज इनवर्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स, सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स आ जाएगा, तो डेयर स्टूडेंट आपने क्या करना है, सीधा सा जहन में रखना है कि साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएंगे, आंसर विल बी 1/2 आ जाएगा। आपका एमसीक्यू के हवाले से बात कर रहा हूं, वैसे उन्होंने शॉर्ट में दिया हुआ है तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। लेट साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 या साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, सम साइन है तो सम पीपल है परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज 2, ये √3 हो जाएगा तो एंगल 30 का आ जाएगा, इसका मतलब है कि अल्फा क्या आ जाएगा 30° आ जाएगा। इक्वेशन ए क्या बन जाएगी, साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30 अगेन आपके पास क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, 1/2 आता है जो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 9 है इसका, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 9 है। नौवें पार्ट को देखते हैं जी द लास्ट पार्ट। नौवें पार्ट में क्या कह रहे हैं, ही सेइंग दैट साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ -1, लेट दिस इज इक्वल टू ए है, लेट करेंगे जी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ -1 करें, या टेन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1 या -1/1 अपनी सहूलत के लिए लिख लिया हमने। टेन ऑफ टेन क्या है, थ्रू प्रॉपर ब्रश है तो 1 उसका परपेंडिकुलर और बेस भी 1/1 बेस और परपेंडिकुलर एक जैसे हो तो ये √2 बनता है हाइपोटेन्यूज़, और ऐसी सूरत हाल हो तो एंगल कितना बनेगा डियर स्टूडेंट्स, 45। अब यहाँ पर माइनस चल रहा था तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -45 आ जाएगा। सो यहाँ पर अब इक्वेशन ए में टेन इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू -45 जो अल्फ़ा आया है वो पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ -45। अब यहाँ पर साइन है और नेगेटिव अंदर आया हुआ तो ये वोमिट कर देता है, बाहर निकाल देता है, जो पहले मैंने आपको बताया था जो कितना आ जाएगा -sin(45). sin(45) आप जानते हैं, माइनस अपनी जगह पर sin(45) 1/√2, इट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमारी 13.1 कंप्लीट हो गई है, कल इंशाल्लाह 13.2 के साथ हाजिर होंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।